सबसे पहले बात करते हैं जवानी फिर नहीं आनी 2 के ट्रेलर की। ट्रेलर आप सबने देखा है और उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि फिल्म ग्रैंड होगी। फिल्म के अंदर इतनी ज़बरदस्त कास्ट है और जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी मज़े की है। मेरे लिए फिल्म के अंदर जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अहमद अली भट्ट, वासे चौधरी और हुमायूं सईद के साथ एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें, जो है फहद मुस्तफ़ा का। फहद मुस्तफ़ा उमूमन फिल्मों में अकेले ही होते हैं और ये पहली बार है जिसमें वो इन चार लड़कों के, तीन लड़कों के साथ हो रहे हैं। नामालूम अफराद में भी लड़के बेसिकली थे, लेकिन एक जावेद शेख साहब थोड़े सीनियर थे जो दोनों पार्ट्स में। फहद और हुमायूं सईद, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हम देख चुके हैं एक्टर इन लॉ के अंदर, जब एक सीन में दोनों आमने सामने आए थे और क्राउड तालियां बजा के पागल हो गया था, उसमें मैं भी शामिल था। इस फिल्म के अंदर जो है ये दोनों प्रॉपर कैरेक्टर्स हैं। ये नहीं पता कि प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंटैगनिस्ट कौन है, मगर दोनों के दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बात रही वासे की, तो वासे चौधरी जो है उनने फिल्म लिखी भी है और जहाँ तक हमने उनका पहली वाली फिल्म के अंदर देखा था, उनके डायलॉग्स आउटस्टैंडिंग हैं और वो टू द पॉइंट और हर आदमी को केटर करने वाले हैं, चाहे आप बच्चे हों, बड़े हों, या गरीब हों या अमीर हों, हर आदमी जो उनके डायलॉग्स पे हंस रहा होता है। अहमद अली भट्ट इस फिल्म के अंदर दो अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं, एक दफ़ा क्लीन, एक कुछ सीन्स में वो क्लीन शेव हैं, कुछ सीन्स के अंदर वो थोड़े से बल्कि हैं और उनके फ्रेंच बियर्ड वगैरह है। अहमद अली भट्ट जैसे हैं वैसे ही आएंगे और वो इस फिल्म के अंदर आरिफ लोहार के साथ एक गाना भी गा रहे हैं। जहाँ से लड़कियों की बात की जाए, कुबरा खान इज़ द हीरोइन इन द फिल्म, मेन लीड हुमायूं सईद के साथ, और मावरा इज प्लेइंग द लीड अपोजिट फहद मुस्तफ़ा। तो अब ये दो तो हैं ही हैं, सरवत गिलानी एंड उज़्मा खान रिटर्न फ्रॉम द लास्ट फिल्म, और आपने देखा है कि वो सरवत गिलानी के जो दो तीन डायलॉग्स हैं वो वही हैं कि पीस बड़ा टाइट है और लड़का जो है वो स्मगलर लगता है, इस किस्म के बहुत मज़ेदार से हैं कैरेक्टर्स। हुमायूं सईद का वो लॉयर, वही लॉयर वाला होगा, वासे चौधरी का पुलिस इंस्पेक्टर जैसे थे वो, और अहमद अली भट्ट जो के खाली दफ्तर में काम करते हैं नॉर्मल, वो सब होगा। गाने जो हैं वो आपको नज़र नहीं आए अभी तक खास, सिवाय इसके कि दो तीन आपने झलकियाँ देखी हैं उसमें, जिसमें एक आइटम सॉन्ग भी है जो सस्पेंस रखा गया है। और सुहेल अहमद जो हैं मेक्स अ रिटर्न टू द कैंप ऑफ नदीम बेग आफ्टर पंजाब नहीं जाऊँगी, जहाँ वो दादा बने थे, मगर यहाँ वो कुछ ज़्यादा ही बने हैं। तो जब आप वो देखेंगे फिल्म तो आपको अंदाज़ा होगा। इन सब चीज़ों की वजह से आप जो हैं इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, और ये फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पे, और इंशाल्लाह लाइक द लास्ट टू फिल्म्स ऑफ नदीम बेग ये फिल्म भी जो है एटलीस्ट 40 करोड़ हिट करेगी वर्ल्ड वाइड एंड मे बी मोर।